सुबह सुबह अपनी बैटरी गाड़ी पे लगा दी है, कह रहा है चलो घूमने। ये देखो अभी सही से नहीं लगाई बैटरी, अब लगाएगा देखो। कह रहा है कि पापा आई कांट, प्लीज हेल्प मी। ये देखो इसने अब बैटरी लगा दी है, ये देखो। ओह करा शाबाश। ये देखो सुबह सुबह आ गया है, सुबह सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठ जाएगा और इसको बस ये देखो जीप भी चाहिए और इसमें भी घूमना है इसमें। ये देखो इसकी माता श्री इसको छोड़ के जा रही है। कहाँ पे कहाँ जा रहे हो मैडम? टेबल टेनिस खेलने जा रहे हैं। मतलब आज संडे है, पति और बेटे के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना, टेबल टेनिस खेलना है मैडम, है ना ये बात? ये देखो इवान की गाड़ियों का कुछ काफिला, अभी ये मैक्सिमम 20% ही होंगी, बाकी सारी बाहर इधर उधर सोफे के पीछे बेड के नीचे कहाँ कहाँ फेंक रखी है। वाले किसकी गाड़ी इतनी सारी? आराम से तेज चलाएगा तो गिरेगा ना। चलो भाई साहब आ गए हैं स्कूटर लेके, पहले गाड़ी पे मम्मी को ढूंढने जा रहा है कि मम्मी और नानी कहाँ है। ये देखो यहाँ पे बैठ गया है, कह रहा मेरा टायर फंस गया है स्कूटर का। अरे चलो आज धूप निकली है मस्त, सब धूप के ले रहे हैं सोसाइटी में मजे। ये देखो सारे के सारे जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं, इवान और नानी आराम से बैठ के देख रहे हैं। सो टुडे संडे एंड लंच बनाने की ड्यूटी मेरी, किसके लिए? इन मोहतरमा के लिए। मैगी स्पेशल संडे। ये देखो सब के सब रशियन है और हिंदी सीख रहे हैं, और ये है टीचर, बहुत अच्छी मतलब इंडिया में रह के इंडियन पति होने के बाद भी हिंदी और रशियन रशियन से हिंदी सीख रही है। ये देखो ऑनलाइन क्लास। फाइनल स्टेज पे हमारी मैगी विद मटर टमाटोज अनियन थोड़ी सी हल्दी कलर देने के लिए। ये देखो मैगी के गुलछर्रे उड़ाते हुए, थोड़ी सी मेरे लिए। दोबारा से लेजी बच्चा। अच्छा जी और कुछ? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो प्रीवियत, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। भाई मेरी आदत पड़ी हुई है, क्या करूं। इवान कहाँ जा रहा है अब? मेरी मेरी तो 6 दिन भी ड्यूटी होती है और 7वें दिन भी ड्यूटी है, संडे को इनकी ड्यूटी, मतलब पहले तो ऑफिस की ड्यूटी फिर घर आके ड्यूटी करो और 7 डेज पूरे दिन ड्यूटी, तो मेरे दिल में वही है कि गुड मॉर्निंग। मजाक करो, मजाक करो, मजाक नहीं कर रहा मैं, सही कह रहा हूँ। इवान कहाँ जा रहा है? ये ड्यूटी नहीं है, यू एंजॉयिंग टाइम। नो, आई ऑलवेज एंजॉय ऑन माय बेड, स्लीपिंग, ईटिंग एंड दैट अगेन स्लीपिंग एंड रिपीट। वेयर आर यू गोइंग मैडम टुडे? अक्षरधाम, इफ इट वर्क।
Yes, हम जा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर। इवान कुदा पाया खली उसको पूछो तो पार्क या कैफे दो चीज बोलता है। मतलब कह रहा है सारे घर है सारे और हम तेज तेज जा रहे हैं। कहाँ है वाने डॉक्टर? गिजे डॉक्टर कह रहे वहाँ पे डॉक्टर है। यस बेटा तेरी मम्मी को घर से ज्यादा हॉस्पिटल पसंद है। फोर्टिस मैक्स हाँ जी मतलब कॉफी पीनी है तो मैक्स हॉस्पिटल में। वाने महिंद्रा कैसे करती है ब्रूम और कैसे करती है दर 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 दर। और बीप बीप कैसे करती है बीप। तो गाइस ये है अक्षरधाम मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ बहुत सुंदर है ये ढलता हुआ सूरज। So Ivan, why are you eating his food? I'm eating. No, why? Oh, I know. Yes. Mane Danji. Caesar salad, French fries. Garlic bread. क्या रहा घर नहीं जाना क्या रहा घर नहीं जाना। और अक्षरधाम मंदिर में एंट्री फ्री है बट वहाँ का जो फाउंटेन वाटर शो है जबरदस्त 90 रुपीज मतलब आप उसके लिए 900 रुपए भी दो तो कम है। आधे घंटे आपको इतना मतलब ऐसा फाउंटेन शो मैंने आज तक नहीं देखा मतलब ऐसा वाटर शो। बेटर देन स्पेन इवन ये लोग बार्सिलोना में थे शायद बार्सिलोना वहाँ पे लीना ने और उसकी मम्मी ने देखा था हाँ इसके लीना अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी वहाँ पे देखा था उससे भी बेटर है। सोचो 90 रुपीज़ में क्यों एक्चुअली क्या है कि अक्षरधाम में आप अंदर फ़ोन तो ले जा नहीं सकते हैं तो आप कुछ भी रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते हैं बट कोई भी दिल्ली आए मतलब मैं भी अक्षरधाम इस बार सेकेंड टाइम गया हूँ केवल फर्स्ट टाइम गया था बाहर से तो मैंने सुना था कि अंदर वाटर शो था बट इस बार हमने ऐसी टाइम पे थे हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं नहीं अच्छा लगेगा बाहर आ जाएंगे बट सीरियसली हम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बाहर आए क्योंकि हमारे साथ इवान था और बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा निकलने वाले थे क्योंकि सब देखते हैं वो बहुत सुंदर था। लेकिन उसके बाद मैडम लेके गई हैं सीपी बिग जिल कैफ़े एक घंटे की वेटिंग थी सो इसलिए हम वेयर हाउस गए तो वेयर हाउस में मेरा फिर से